की वजह से ही हो रहा है। अब देखिए ना, 6 बजे के बाद कोरोना आता है। 1940 था, 1947 या 1965 क्या हुआ था? 1940 था, 1947 था, 1965 था, कौन सा सन था? 1947 था, 1965 था, कौन सा सन था? ना तो 1940 था, ना 1947 था, ठीक है, इतना नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं DSP न्यूज़। आज का जो हमारा जो मौजू है वो है 23 मार्च 1940 के, 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था, कौन सी करारदाद मंजूर हुई थी, जो आज के हमारे सवाल आते हैं लोगों से हम जवाब लेंगे कि 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था और ये मुल्क किस तरह मार्च वजूद में आया था और लोगों से को कितना लोगों में कितना शऊर है और कितनी इनको इन्फॉर्मेशन अभी तक है कि जिनको पता है कि 23 मार्च को क्या हुआ था। अच्छा ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान रखी गई। सन कौन सा था? अर्ली 40s का टाइम था। नहीं, अर्ली 40s का कौन सा था? 1947 था, 1965 था, 1940 था, क्या था? अर्ली 40s लाइक 1940 के बाद का है। 1940। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। सन कौन सा था? 1940। अब चलते हैं एक शॉप के अंदर और उनसे पूछते हैं कि 23 मार्च को क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? कुछ नहीं, ये अब देखे ना मार्केटें बंद है, काम ही नहीं है, आवाम क्या करे, पागल हो गई है आवाम तो। अच्छा इसे मार्केटें बंद होने से और 23 मार्च से क्या आपस में रिलेशन है? रिलेशन यही है, आवाम लड़ रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, पता नहीं क्या चाहता है इमरान खान, मारना चाहता है आवाम को। अच्छा ये जो है 23 मार्च है वो इमरान खान की वजह से हो रहा है? उसकी वजह से ही हो रहा है। अब देखे ना 6 बजे के बाद कोरोना आता है। अच्छा। पहले नहीं आता उससे। आप क्या कहते हैं कि 6 बजे मार्केटें बंद नहीं होनी चाहिए? नहीं, मार्केटें नहीं बंद होनी चाहिए। अब देखे ना ये सिर पे है तो क्या करेगा इंसान, मारा बंदा क्या करेगा, गरीब बंदा क्या करे। अच्छा 23 मार्च को ना हुई थी एक करारदाद मंजूर, तो उसे उसे बताएं कि सन कौन सा था? 1940 था, 1947 था, 1965 था, कौन सा सन था? 1965 था। 1965। उस दिन क्या हुआ था? यही हालात जो अब हुए हैं यही हुआ था उस दिन। ऐसा कोरोना आया था? कोरोना नहीं आया था, लॉकडाउन आया था। अच्छा 1965 को लॉकडाउन आया था। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मलिक राशिद। अच्छा ये बताए, आसान सा सवाल है, 23 मार्च को क्या हुआ था? यार मुझे इस चीज का किसी का भी नहीं पता यार। अच्छा आप बताए 23 मार्च को क्या हुआ था? कायदे आजम की पैदाइश हुई। कायदे आजम की पैदाइश हुई थी 23 मार्च को। कहते सन कौन सा था? हाँ जी सन कौन सा था, साल कौन सा था? साल 1965 था, 1940 था, या 1970 था, या 1930 था? 80 पैदा ही नहीं आसानों की तरफ। जी भाई कौन सा सन था? 1965। अच्छा कायदे आजम 1965 में पैदा हुए थे? ये तो नहीं पता। अच्छा तुक्का लगा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 23 मार्च को क्या हुआ था? करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। कौन सा सन था वो? सन कौन सा था? 1940 मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, 1940 था, 1947 या 1965? 1947। 1947। अच्छा ये करारदाद जो मंजूर हुई थी किस जगह पे हुई थी? किस जगह पे हुई थी? मेरे ख्याल में इधर ही हुई थी, कराची में हुई थी। कराची में हुई थी। अच्छा 23 मार्च को क्या हुआ था? सर करारदाद मंजूर हुई थी। सन कौन सा था? सन क्या यार, आपके सने के लिए आपको 1940 था, 1947 था, 1965 था, कौन सा सन था? आपने देखा लोगों को कोई नहीं सुने कि 23 मार्च को क्या हुआ था, किसी को पता है किसी को नहीं पता, फिर हम कहते हैं जी हमारे पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बोला 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, ठीक है। 23 मार्च 1940 में भी आया था और अब भी आया है। फर्क ये है कि 1940 में जब आया था तब एक कौम को
जो आवाम है उसको मुल्क की जरूरत थी, अब एक मुल्क को आवाम की जरूरत है। अच्छा ये तो एक करारदाद जो मंजूर हुई थी किस जगह पे हुई थी? ये मिंटू पार्क लाहौर में। थैंक यू सर, बहुत अच्छे जबरदस्त। ये बताया 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। कहते सन कौन सा था? 1940। अच्छा ये जो 23 मार्च वाले दिन क्या हुआ था? करारदाद मंजूर हुई थी। अच्छा करारदाद जो मंजूर हुई थी उसका सन कौन सा था? 1940 था, 1947 या 1965? 1947। अच्छा ये जो करारदाद मंजूर थी किस लिए मंजूर हुई थी? ये कोई जंग हुई थी या क्या हुआ था? पाकिस्तान के लिए हुई थी। पाकिस्तान के लिए हुई थी। क्या जंग हुई थी? पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। किससे हासिल करने के लिए? ये इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। अच्छा बताया 23 मार्च को क्या हुआ था? सर मुझे नहीं। अच्छा आप बताए 23 मार्च को क्या हुआ था? पाकिस्तान मंजूर हुई थी। कौन सा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताया कि 23 मार्च को क्या हुआ था? मीनारे पाकिस्तान में जंग। मीनारे पाकिस्तान में जंग हुई थी। किससे जंग हुई थी? ये नहीं मालूम जी। पता नहीं है। पक्का नहीं पता। वो भाई से ले लेंगे आपको सही बता देंगे पहले। अच्छा नहीं, अभी आपने कहा ना कि 23 मार्च को मीनारे पाकिस्तान में जंग हुई थी। किससे जंग हुई थी? किसी 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अच्छा करारदाद जो मंजूर हुई थी उसका सन कौन सा था? 1940। और जो करारदाद जो मंजूर हुई थी किसी जगह पे हुई थी? ये हमारा करारदाद पाकिस्तान अपना मीनारे पाकिस्तान थी। किसी दूसरे मुल्क से हुई थी? किससे हुई थी? इंडिया से हुई थी, चाइना से हुई थी, पाकिस्तान से। 23 मार्च को क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। अच्छा अंकल जी बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को ये मुझे याद नहीं। ठीक है जी अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 23 मार्च को क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगा था? कहाँ लॉकडाउन लगा था? पूरे मुल्क में। कौन से मुल्क में? पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईमान। ईमान, अच्छा बताओ 23 मार्च को क्या हुआ था? तेईस मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को शहबाज शरीफ पैदा हुआ था। 23 मार्च को शहबाज शरीफ पैदा। कहाँ पैदा हुए थे? अपने घर पैदा हुए थे। अच्छा कौन सा सन था? अच्छा 23 मार्च को कोई करारदाद भी मंजूर हुई थी? हाँ जी। कौन सी, किसके लिए करारदाद मंजूर हुई थी? वो हुई थी, नई टिकटॉक बनी थी। नई टिकटॉक, पहली टिकटॉक 23 मार्च को बनी थी। 23 मार्च को। कौन सा सन था वो? वो सन था सन 1920 ईस्वी। अच्छा 1920 ईस्वी को। जी जनाब ये है, इन्होंने बताया कि 23 मार्च को क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताया 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को पैगाम आया था और ये गाड़ी का पैगाम आया था और मिंटो पार्क बना था। थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलना। मिंटो पार्क बना था, बस इतनी आवाज है। और 23 मार्च को मिंटो पार्क बना था जी। किस वजह से बना था? आजादी का पैगाम आया था। आजादी का पैगाम आया था। आजादी किससे हमने हासिल की थी? इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताया 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी 1939। 23 मार्च 1939। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताओ बेटा कि 23 मार्च को क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था। अच्छा 23 मार्च को कोई करारदाद भी मंजूर हुई थी? आप पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेवन में। अच्छा करारदाद जो मंजूर हुई थी कोई आपको मैं सन बताता हूँ, उसमें बताएं कौन सा सन था? 1940 था, 1947 था या 1965 था? 1940 था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को क्या हुआ था ये भाई को पता है क्या हुआ? भाई बताया नहीं, मैं भूल गया। 23 मार्च को कोई करारदाद मंजूर हुई थी? जी जी मंजूर हुई थी। अच्छा उसका सन कौन सा था? 1940 था, 1947 था या 1930 था? 1947 था। मेरे 1947 था। करारदाद पाकिस्तान हुई थी। कहाँ पे मंजूर हुई थी करारदाद? क्या होना है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को, 23 मार्च को हमारे दाऊद भाई पैदा हुए थे। दाऊद भाई पैदा हुए। कौन सा सन में पैदा हुए? तो करारदाद जो मंजूर हुई थी किससे हमने करारदाद मंजूर करवाई थी, किस वजह से करवाई थी? अक़वामे मुत्तहिदा से हमारी करवाई गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान हुआ था। करारदाद पाकिस्तान। अच्छा जो करारदाद जो मंजूर हुई थी कौन से सन में हुई थी? 1940 था, 1947 था या 1930? 1947 था। 1947। हाँ जी।
अस्सलाम वालेकुम। सर बताएं कि 23 मार्च को क्या हुआ था? नहीं मेरे इल्म में नहीं। अच्छा 23 मार्च को कोई करारदाद मंजूर हुई थी जो मेरा पाकिस्तान जी हुई थी, लेकिन मुझे सही कंफर्म नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च का जो सन था वो समझे कि इन दोनों में से आपने एक बताना कौन सा था, 1947 या 1940? 47। जनाब ये एक शॉप पे हम जितने भी इंटरव्यू लगे हैं वो इन्होंने पाकिस्तानी योम यकजहती के लिए उन्होंने पाकिस्तान का मिली नगमा लगाया हुआ, इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? योम पाकिस्तान 23 मार्च को। 23 मार्च, अच्छा इसमें कहते कौन सा सन था? क्या चीज़? सन कौन सा था? सन 23 मार्च 1947। अच्छा आपकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दो सन बताऊंगा, उसमें बता रहे हैं कि सही कौन सा है, 1940 या 1930? क्या चीज़ मतलब? सन 1940 था या 1930? तेईस मार्च 1940। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल जी बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? योम पाकिस्तान आई है। योम पाकिस्तान इसका सन कौन सा था, 1940, 1970 या 1947? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखा नाज़रीन आप, आज हमने 23 मार्च से रिलेटेड लोगों से सवाल किए कि 23 मार्च को क्या हुआ था, कईयों ने सही जवाब दिया और किसी ने फनी जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा ये बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था? क्या हुआ था ये तो सन पता ही कोई नहीं। जी जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे इमरान खान रब ला जाए बाप सारा ही ठीक जो साडे हालात। 23 मार्च का इमरान खान से क्या रिलेशन है? है ना अगे इस तरह नहीं होंगे जिम्मे हूं उनकी हो रहा है कारोबार नहीं है। कारोबार तो एक जरी जिन्ना नहीं रह गया, लोग भूखे मारते। साडा कारोबार की है? साडी मजदूरी है। मजदूरी मजदूरी मिल ही नहीं रही जितन दे आया। अच्छा हाँ जी। अच्छा सर 23 मार्च को क्या हुआ? पाकिस्तान मंजूर हुई। करारदाद जो मंजूर हुई थी कहाँ मंजूर हुई थी और कौन सा सन था? 1930 को मीनार पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ये मंजूर हुई थी। इलामा इकबाल ने ये करारदाद पेश की। अच्छा ये करारदाद जो मंजूर, ये जो करारदाद जो करवाई थी मंजूर किसके खिलाफ करवाई थी? जी करारदाद जो मंजूर करवाई थी किसके खिलाफ करवाई थी और क्यों करवाई थी? अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ की थी, पाकिस्तान बनाने के लिए कलमा तैयबा की बुनियाद पर जो मुसलमान थे बरसगार हिंद के, वो पाकिस्तान को हासिल करना चाहते थे और अल्लाह ताला की जो है ना कामयाबी मिली डॉक्टर इलामा इकबाल को, कैदी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। जी नाज़रीन अभी आपने लोगों की राय सुनी कि 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था, लोगों के अब मैंने आपको जवाब सुनाए। अब आपकी इनके बारे में क्या राय है हमें अपने इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।